आज आपको मैं माउस रिपेयरिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगा और फॉल्ट किस किस जगह पे आता है ये सब मैं बताऊंगा। यहाँ पर एक मेरे पास माउस है और एक दूसरे माउस का यहाँ पर पीसीबी पड़ा है। सबसे पहले तो पीसीबी को ही आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर माउस का एक पीसीबी है। सबसे पहले तो आपको यही दिखाता हूँ कि इसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और ख़राबी क्या क्या आती है, ये फिर मैं बताऊंगा। कंपोनेंट इसमें क्या है, सबसे पहले देख लीजिए, ये आपका सेंसर वाला आपका कंपोनेंट है। इसमें सेंसर वगैरह आपके लगे हैं, जो आप कर्सर वगैरह आप मूव करते हैं वो इसी से आपका मूव होता है। अब जब भी आप इसको इस तरीके से चलाते हैं तो यहाँ पर से एक किरण निकलती है जो नीचे आपका डेस्क पे या फिर किसी भी चीज़ पे बेस पे पड़ती है, तो जिस हिसाब से आप उसको मूव करते हैं तो कर्सर वैसे ही मूव होता है। तो सबसे मेन कंपोनेंट इसका यही होता है। अब बाकी जो आप कंपोनेंट देख सकते हैं बिल्कुल क्या है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, बाकी ये आपका एलईडी है और इसमें कुछ भी नहीं होता। बस यहाँ पर आपका जो आप स्क्रॉल करते हैं उसके लिए यहाँ पर स्क्रॉल बटन है, बाकी इसमें राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और यहाँ पर आप स्क्रॉल के नीचे आप क्लिक देख रहे हैं, ये वाला क्लिक है। तो तीन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको माउस को खोल के दिखा देता हूँ। एक बिल्कुल ओके माउस है मेरे पास। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि सर माउस को अगर हम डायरेक्ट यूएसबी पे लगाते हैं, यानी कि डायरेक्ट इसको 5 वोल्ट दे दें कंप्यूटर में ना लगा के एक मोबाइल चार्जर पर लगा दो तो क्या होगा, चलिए वो भी बता देता हूँ। देखिए, सिंपल है, इसको मैंने यहाँ पर एक चार्जर में लगा लिया है माउस को। अब यहाँ पर मैं इसको बोर्ड के साथ अटैच करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पर एक एक्सटेंशन बोर्ड है, ऑन करता हूँ और यहाँ पर देखिए माउस चालू हो गया। बिल्कुल अंदर देख रहे हैं एलईडी यहाँ पर जल रही है। अब देखिए, यहाँ पर दूसरी एलईडी यहाँ पर जो जलनी चाहिए वो नहीं जल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो डाटा की एलईडी होती है, वो नहीं जलेगी, सेंसर वगैरह इसका एक्टिवेट नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो चार्जर है 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है। 5 वोल्ट भले आप कंप्यूटर पे अटैच होके इसको लगवा लें, भले आप चार्जर से दे दें, 5 वोल्ट इसको मिल रहा है, लेकिन कंप्यूटर पर लगा के इसमें 5 वोल्ट के अंदर यहाँ पर दो पिन और होती है, मतलब इसमें चार वायर इसके अंदर आपको मिलती है। एक होती है 5 वोल्ट और एक होती ग्राउंड और एक होती है डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव की, जो आपको हरी और वाइट, देखिए ये वाली हरी पीली या फिर हरी या सफ़ेद आपको देखने के लिए मिलती है, ग्रीन एंड वाइट। अब देखिए, चार्जर में अटैच करने के बाद तो सिर्फ आपको चार्जर से तो सिर्फ 5 वोल्ट ही मिलता है, लेकिन कंप्यूटर में आप अटैच करेंगे तो वहाँ पर डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव की केबल भी अटैच हो जाती है, मतलब वायर अटैच हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसके लिए फंक्शन बनाया रहता है। तो इस कारण ये सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और अपना वर्क वहाँ पर करने लग जाता है। अगर आप इसको 5 वोल्ट किसी बाहर के सोर्स से भी देंगे तो कोई बात नहीं, ये ख़राब नहीं होता, इसलिए मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया। बात करते हैं इसकी रिपेयरिंग की। जब भी क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं उनका मैं सॉल्यूशन हर वीडियोज़ में उसी से रिलेटेड वीडियोज़ देता रहता हूँ। अब यहाँ पर इसको खोलें कैसे? अब देखिए, यहाँ पर ये तो सिर्फ डमी के लिए बना के रखे हुए, यहाँ पर इसकी वारंटी सील है। वैसे वारंटी इसकी तो कब का खत्म हो चुकी है, 2018 का था, फिर भी इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास वारंटी पीरियड में हो तो आप इसको खोलिएगा मत, इसको वारंटी में आप रिप्लेस वगैरह जो भी है वो करवा लीजिएगा। तो इस तरीके से खुल चुका है और ये आराम से ऐसे करके खुल जाता है। तो जैसा उसके अंदर था वैसा ही इसके अंदर है, कोई अदर नहीं बना होता। अगर वाईफाई वाला माउस है तो हो सकता है उसमें अदर कुछ फीचर्स हों। अगर मेरे पास कभी रिपेयर के लिए आता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये चीज़, ये दो शीशा है, रिफ्लेक्टर है, इसको इसके इस पास में हम रख लेते हैं, बाद में इसको हम करेंगे। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या आपको वायर देखने के लिए मिलती हैं। अगर आपका माउस बिल्कुल ख़राब है और प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा, इसके क्या कारण होते हैं? सबसे पहला आपकी ये केबल होती है। अगर केबल में कोई वायर अंदर से कट जाती है, भले वो डाटा की हो, भले वो पावर की हो, कोई भी आपकी अगर अंदर केबल की वायर कट जाती है तो समझ लीजिए आपका ये माउस बिल्कुल डेड हो जाता है। काफ़ी बार क्या देखने के लिए मिलता है, ये ऑन तो हो रहा है लेकिन आपका कर्सर वर्क नहीं कर रहा, माउस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, ऐसी कंडीशन में आपका ये जो वायर है ना अंदर से कट जाता है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन आपका नहीं मिल पाता है। इसे आप चेक कैसे करेंगे? चलिए, चेक करने का भी तरीका आपको मैं बता देता हूँ। ये माउस तो बिल्कुल ओके है, फिर भी आपको चेक करना मैं सिखा देता हूँ। अब देखिए, बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर ये वायर आपकी कट जाती है तो वायर कहाँ से लगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, बहुत ही तरीके से आपको बताऊंगा कोई भी चीज़ें। अब यहाँ पर सबसे पहले तो वी, मतलब हमारी 5 वोल्ट की है, इस पर आप इस तरीके से अटैच करेंगे और यहाँ पर देखिए इसके अंदर एक दो आपको पॉइंट बताऊंगा, बाकी आप इसको खुद चेक करेंगे। यहाँ इसके अंदर देखिएगा, ये देखिएगा, फर्स्ट वाला आपका वी का है और दूसरा है आपका ग्राउंड का। वी बोले तो आपका वोल्टेज का रहेगा, दूसरा है ग्राउंड का। तो ग्राउंड में देखिए, यहाँ पर एक मिनट मैं चेक करता हूँ, तो सबसे लास्ट वाला यहाँ पर आएगा ग्राउंड का। तो देखिए, आप इसी के हिसाब से नहीं चलना, यहाँ पर अलग पॉइंट बने होंगे और यहाँ पर अलग, यहाँ पर 5 वोल्ट पॉजिटिव, एक मिनट
अब आपको फोकस मैंने करवा के दिखा दिया है, 5 वोल्ट पॉजिटिव आपको यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर इधर पे, बाकी ग्राउंड का ये रहेगा, बाकी डाटा के अंदर बीच में जो आपको दिख रहे हैं ना वो डाटा के रहते हैं। 5 वोल्ट चेक करवाते हैं, ग्राउंड का चेक करवा तो आपको देखिए वहाँ ग्राउंड पे लगाता हूँ और अंदर देखिए सबसे लास्ट में ग्राउंड का रहता है। अब यहाँ पर डाटा का दिखाता हूँ आपको, डाटा के लिए बीच के कोई एक पॉइंट में लगाता हूँ तो ये आपका डाटा का है। एक मिनट, कौन सा है? ये डाटा का है और दूसरा वाला, ये वाला भी डाटा का है। देखिए सर्च करता हूँ उसको, तो ये वाला देखिए, तो चारों के चारों जो हमारी वायर हैं बिल्कुल ओके हैं। तो आपको बता दिया, कोई एक वायर भी कट जाती है तो आपका भले वो ग्राउंड की क्यों ना हो तो माउस प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। तो माउस को रिपेयर करने से पहले इस केबल को आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अब देखिए एक चीज़ और भी आपको मैं बता देता हूँ, मान लीजिए ये वायर ख़राब हो जाती है तो आप उसको लाएंगे कैसे? देखिए मोबाइल चार्जर आपने देखे होंगे जो कि थोड़ा सा ब्रांडेड होते हैं, चलिए मोबाइल चार्जर नहीं भी है तो डाटा केबल आपके पास पड़ी होगी जो कि ब्रांडेड होती है। अब वो डाटा केबल आपकी अगर आगे से ख़राब हो जाती है तो उसके अंदर चार तार निकलती हैं, चार जिसे आप वायर भी कहते हैं, मैं तार कह रहा हूँ कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इसमें के अंदर चार वायर आप देख सकते हैं, तो वाइट, ग्रीन, रेड एंड ब्लैक वायर इसमें मिल रही है। तो इन चार वायर को ऐसे ही आप बिल्कुल कलर वाइज यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए। रेड को आप वोल्टेज पे और ब्लैक को आप ग्राउंड पे, बाकी ग्रीन और वाइट को आप इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। सॉरी आपको थोड़ा सा फोकस कराना भूल गया, यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट करेंगे बिल्कुल बिल्कुल कलर कोड के हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ आपने कनेक्ट कर ली है तो आपका चार्जर चल जाएगा। मान लिया जाए ये कब होगा, जब आपकी ये केबल शॉर्ट होगी या फिर कहीं से कटी होगी, केबल सही है फिर भी आपका ये वर्क नहीं कर पा रहा है, तो आपने क्या करना है? तो आपने कुछ नहीं करना है, बस ये सेंसर चेंज कर लेना है। अगर सेंसर है किसी पुराने माउस का तो आप लगा लीजिए, नहीं है तो फिर माउस को छोड़ दीजिए, नया माउस परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये सेंसर ही सबसे मेन होता है और आपका एक कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। 99% केसेज में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में कोई भी खराबी नहीं मिली है, बाकी पता नहीं आपके केस में क्या होता है, फिर भी आप चेक जरूर कीजिएगा रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को। कैपेसिटर में कोई शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी वो आप रेजिस्टेंस मोड में जाके चेक कर लीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस मोड है और इस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं कितनी वैल्यू का रहेगा, तो यहाँ पर दिखा देगा 67 ओम्स का ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर इसको चेक करते चलिए ये कितने ओम्स किलो ओम्स का है, ये है 952 ओम्स का ये रेजिस्टेंस है। और अगर आपके माउस में लाइट नहीं आ रही, बाकी सब कुछ वर्क कर रहा है, तो आप इन दोनों LEDs को चेक कर लीजिएगा, जो भी लाइट नहीं चली वो आप, इसमें 2 LED हैं लाइट के लिए, तो आपके उसमें पता नहीं कितनी LED होंगी, उनको चेक कर लीजिएगा। अगर आप एक्स्ट्रा LED लगाना चाहते हैं तो माउस में देखिए, इसमें ऑप्शन तो दिया गया LED का, आप लगाना चाहते हो तो बिल्कुल लगा सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन अलग से दिया रहता है अलग से इसमें LED लगाने का। ये तो रहा आपका, जब आपका कर्सर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो आपने ये सेंसर चेंज कर लेना है, आपका ऑन नहीं हो पा रहा है ये सेंसर चेंज कर लेना है। वैसे सेंसर चेंज करने से आता माउस ही परचेज कर लीजिए, 150-200 रुपये के आसपास का मिल जाएगा, कंपनी का है तो थोड़ा तब आप उसको रिपेयर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका माउस स्क्रॉल नहीं हो पा रहा, माउस में स्क्रॉल काम नहीं कर रहा, देखिए ये पहले इसको इस तरीके से मैं अटैच कर लेता हूँ और माउस में आप कितना भी स्क्रॉल कर रहे हैं इस तरीके से और स्क्रॉल नहीं हो पा रहा, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, मतलब जो भी स्क्रॉल रहता है वो नहीं हो पा रहा। तो इसका सॉल्यूशन आपने कैसे करना है, ये जो आप देख रहे हैं ये पोटेंशियोमीटर की तरह रहता है, इसमें कार्बन लगने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपने या तो पेट्रोल की 1-2 बूंद डाल के इसको इस तरीके से स्क्रॉल करके क्लीन करना है, या तो फिर क्लीनर का यूज़ कीजिए, एसीटोन है ये देखिए स्प्रे, इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये क्लीनर PCB को वगैरह को क्लीन करने के काम पे आता है, अगर कहीं पे कार्बन लग जाए तो उसके क्लीन करने के काम पे ये आता है। तो ये तो हो गया आपका पूरा मेथड बता दिया। अब बात करें स्क्रॉल के नीचे जो बटन है ये काम नहीं कर रहा, आपका पुश बटन काम नहीं कर रहा है, तो इस स्विच को या फिर पुश बटन जो भी आप कहें इसको आप रिप्लेस कर लीजिएगा। इसके अंदर कार्बन आ जाता है इस बटन के अंदर, तो ये बटन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। और राइट क्लिक काम नहीं कर रहा तो इस राइट क्लिक को आप चेंज कर लीजिए। किसी में आपको नॉर्मली यहाँ पर इस तरीके का स्विच आपको देखने के लिए, उस तरीके का आप इसमें स्विच डाल सकते हैं, कोई बात नहीं ऐसा स्विच आप इसमें डाल सकते हैं, ऑप्शन दिया गया है इसके लिए भी, इसको उखाड़ के ऐसा वाला भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेफ़्ट क्लिक काम नहीं कर रहा है तो लेफ़्ट क्लिक की जगह पर आप इसमें क्या कीजिएगा, लेफ़्ट क्लिक का जो स्विच है वो आप चेंज कर लीजिएगा। बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, बाकी आपको A to Z इसमें बता दिया है। अब इसको पैक करते हैं, बाकी आपको बता दिया, आप अपने तरीके से इसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी आपको मैंने गाइडेंस दे दी है। अब चलिए इसको मैं इस तरीके से पैक कर लेता हूँ, वीडियो देखना चाहते हैं पैक करने की तो देख सकते हैं, वरना वीडियो को आप छोड़ सकते हैं।
तो चलिए पैक करने का जो तरीका रहेगा वो भी देख लीजिए, आपको हो सकता है पहली बार थोड़ा सा दिक्कत हो इस चीज़ को सीखने में या फिर करने में। अब यहाँ पर इसको रख लिया है, अब बाकी इस जो वायर है इसको आप इस तरीके से एक मोड़ दे दीजिए और इस तरीके से आप इसके ऊपर इसको कवर कर लीजिएगा। इस तरीके से करने के बाद इसको कवर कर लीजिएगा, इसको आगे से थोड़ा इस तरीके से आप इसमें खांच में फंसाएंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से खांच में फंसाएंगे और यहाँ पर आपने स्क्रू को कस लेना है। बस आपका माउस बन के तैयार हो चुका है। और हाँ, एक चीज़ बता दिया, सेंसर की प्रॉब्लम है तो वो आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सेंसर इसके लिए आपको नए चाहिए होता है। बाकी अदर्स जो प्रॉब्लम है वो मैंने बता दी आपको। वीडियो पसंद आई और सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाकी जो है चैनल को आप सब्सक्राइब करके हम बहुत सारी चीज़ें और सीख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए।